चलो बच्चों, अभी मैं रिसेंटली आईआईटी दिल्ली में था। करीब पूरा पूरा दिन मैंने वहाँ गुजारा। एंड उस दौरान मैंने बहुत सालों बाद, वैसे आईआईटी में कुछ कुछ काम की वजह से कभी कभी जाना होता है, लेकिन काफ़ी सालों बाद मैं वहाँ पे कैंपस में करीब 2-3 घंटे मैंने वॉक किया और कैंटीन गया और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ लोगों से बात किया। तो काफ़ी अच्छी यादें ताज़ा हो जाती हैं अपने कॉलेज के टाइम पे, जब भी आप किसी कैंपस में जाओ। लेकिन मैं ट्रूली बोलूँगा कि आईआईटी के कैंपस या बड़े कॉलेजेस के कैंपस में जब आप जाते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट दैट कैंपस। और वो मुझे रियलाइज़ हुआ आईआईटी दिल्ली में जाके, द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, द लेवल ऑफ प्रोफेसर, द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड और ओवरऑल इन्वायरमेंट, वो इतना अट्रैक्ट करेगा, इतना अट्रैक्ट करेगा कि हम लोग का तो मन करता हम फिर से पढ़ने चले जाएं। आप लोग को ये मन करेगा कि यहीं पढ़ना है, इसी कॉलेज में पढ़ना है। बट बहुत ही कम फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एडमिशन ऐसे कॉलेज में होता है। एक ओवरऑल कैंपस टूर इसलिए दिया है मैंने कि आप देखो और थोड़ा लालच में आ जाओ। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स हैं जो आप स्कैन करके उठा सकते हो, और आपको उसके लिए छोटा सा चार्ज देना होगा। उस पर कोई मालिक नहीं है, कोई ओनर नहीं है, स्टैंड है, आप आए अपने ऐप स्कैन किया, साइकिल उठा के आप घूम रहे। इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, पैडल वाली साइकिल भी है, उसके थोड़े कम चार्जेस हैं, वो उठाया वो भी यूज करो। सारे बच्चे एक जैसे, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े लैब, बड़े बड़े क्लासरूम्स, बड़े ढेर सारे क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और भी जिमनेजियम, लाइब्रेरी इतनी बड़ी कि कई कई कॉलेज की उतनी पूरी ओवरऑल बिल्डिंग नहीं होती है। लेकिन ये सब बहुत ही कम बच्चे और फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो मैं विश करूंगा, पर्पस भी यही है, बहुत ज्यादा इसको ब्लॉग व्लॉग नहीं किया मैंने, पर्पस यही है कि आप मोटिवेट हो और कोशिश करें कि आप ऐसे या इससे और इससे अच्छे तो इंडिया में बहुत कम, रेयर एक आध कॉलेजेस होंगे, लेकिन ऐसे ही कॉलेज में आप जाएं। सो देखिए और बताइएगा वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा। थैंक यू।